इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। भारत के सबसे शक्तिशाली इंदौर नगर निगम में धोखाधड़ी के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस जहां एक और हस्ताक्षर ले चुकी है, तो वहीं अब आगे की कार्रवाई करते हुए ठेकेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इस पूरे मामले में आप पुलिस उन ठेकेदारों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने इस फर्जीवाड़े में सम्मिलित होकर निगम के करोड़ों रुपए निगल लिए हैं। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों पर भी शिकंजा कस सकता है। इंदौर के एमजी रोड थाने की पुलिस ने नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में निगम से कई पेमेंट की फाइलें जब्त की है। इसमें कुछ ऐसी फाइलें भी मिली है जिसमें करीब एक अन्य 20 करोड़ रुपए के घोटाले मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसकी जाँच की जा रही है। वहीं पुलिस को फरार ठेकेदारों की सरगर्मी से तलाश है। ठेकेदारों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। पुलिस ने ठेकेदारों की संपत्ति की जानकारी जुटाना भी शुरू कर दिया है। 2018 व 2019 में किए गए ड्रेनेज कार्य का बिल 2022 में पास हुआ था। इसमें कई करोड़ रुपए का पेमेंट ठेकेदारों को कर दिया था। पुलिस ने ठेकेदारों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं, जिसमें करीब लाख रुपए का पेमेंट मौजूद है। नगर निगम में फर्जी बिल लगा करके और पैसे निकालने का मामला सामने आया था, जिसमें एक FIR एमजी रोड थाने में हुई थी। इन ठेकेदारों के खिलाफ में मुकदमा कायम किया गया था। जिन फाइलों के आधार पर फर्जी भुगतान हुआ है उनको जब्त किया गया था। वो चोरी चली गई थी पूर्व से, अलग से उनका पृथक मुकदमा है। इसके बाद नगर निगम से फाइलें या उनका किन किन विभागों से संबंधित है उसकी जानकारी ली गई है। जिन कर्मचारियों के या अधिकारियों के हस्ताक्षर या राइटिंग बताई गई है उसमें, उन फर्जी बिलों में, उनके नमूना लिए गए हैं और उसको जांच के लिए भेजा गया है। आगे विवेचना जारी है, उस पर कार्रवाई हो रही है। जो ठेकेदार हैं वो फरार हैं, उन पर इनाम घोषित है और माननीय न्यायालय से वारंट भी जारी करा दिया गया है। उनके जो संपत्ति की जानकारी लेकर के उनकी भी कार्रवाई आगे की जा रही है। सर, क्या बताई गई थी, वो चोरी की पहले रिपोर्ट की थी जब इनकी छानबीन शुरू हुई अंदर नगर निगम में। इस बीच में वो चोरी हो गई तो इन्होंने फोटोकॉपी सत्यापित दी है अपनी FIR के साथ में। सर, पूरा ही मामला करोड़ों रुपए से ठगी का मामला है, क्या इसमें कोई अधिकारी की सीधी सीधी हस्तक्षेप लग रहा है कोई अधिकारी? जो विवेचना में तथ्य आएंगे उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई किसी को इंगित करना या चिन्हित करना जल्दबाजी होगी। पूरा तरह से डॉक्यूमेंट्री सारा वो है, साक्ष्य है, उसकी समीक्षा की जा रही है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वो सभी विवेचना में है मामले, उसके बाद जो तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। फाइलें चोरी गई, 20 फाइलें चोरी गई थी। फिर जब पुलिस द्वारा जानकारी मांगी गई कि इन्हीं ठेकेदारों की या इनसे अलग इसी कार्य संबंधित कार्य की अन्य फाइलें चाहिए हैं, वो फाइलें भी हमको प्राप्त हुई हैं, जिसके बारे में ये जानकारी आई कि उसमें कुछ शाखा में वो रिकॉर्ड में नहीं है, उसकी छानबीन कर रहे हैं। नहीं, ये तो पूरी प्रोसेस है, अलग अलग शाखाओं से होकर के जाती होगी, वो इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो फाइलें ली हैं उनसे जो भी तथ्य आएंगे वो उनको शामिल किया जाएगा जाँच में, विवेचना में। We'll be right back.